विगत दिन शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने कागजात अपलोड नहीं किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि जो शिक्षक कागज अपलोड नहीं किए हैं उसमें सरासर विभागीय लापरवाही है, यूएन नंबर में गड़बड़ी था जिस वजह से शिक्षक अपना कागजात अपलोड नहीं कर पाए। ऐसे में इस तरह का बयान शिक्षा मंत्री के द्वारा देना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ 15% वेतन वृद्धि का जो मसला है, सरकार विगत 2020 में ही घोषणा करी थी कि अप्रैल 2021 से 15% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। अप्रैल बीत गया और अभी जुलाई चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक जो है 15% वेतन वृद्धि लागू नहीं करी है। अप्रैल 2021 से 15% वेतन वृद्धि वेब पोर्टल पर अपलोड की गई त्रुटियों की सूची की वजह से अभिलेख अपलोड से वंचित रहे शिक्षक, नव प्रशिक्षित टीईटी और गैर टीईटी शिक्षकों का एरियर भुगतान, अप्रशिक्षित शिक्षकों को हाई कोर्ट के आदेशानुसार लंबित वेतन का भुगतान, डीपीई एरियर का भुगतान सहित अन्य समस्याओं के समाधान हेतु बिहार पंचायत नगर प्राइमरी शिक्षक संघ की बैठक चकला निर्मली स्थित संघ कार्यालय में सम्पन्न हुआ। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा व शिक्षकों के प्रति सरकार की नीति व नियत दोनों में खोट है, लिहाजा अप्रैल 2021 से सरकार द्वारा पूर्व प्रस्तावित 15% वेतन की वृद्धि को जहां ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, वहीं 2016 से निरंतर जारी निगरानी जाँच में 4100 से ऊपर शिक्षक विभाग द्वारा अपलोड की गई त्रुटिपूर्ण सूची की वजह से अभिलेख अपलोड से वंचित रह गए हैं और माननीय शिक्षा मंत्री लापरवाह अधिकारी और कर्मी पर कार्रवाई के बदले अभिलेख अपलोड से वंचित शिक्षकों पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। विभागीय लापरवाही की सजा शिक्षक क्यों भुगते, यह कहां का इंसाफ है? उन्होंने कहा कि सरकार अविलंब अप्रैल 2021 से पूर्व प्रस्तावित 15% वेतन वृद्धि लागू करें, अन्यथा सूबे बिहार में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कोरोना काल की वजह से छात्रों के पठन पाठन पर हो रहे असर को लेकर साफ कहा कि छात्रों को शैक्षिक लॉस को पूरा करने के लिए बिहार के लाखों शिक्षक कृत संकल्पित हैं। विभागीय लापरवाही के चलते बिहार में 4100 शिक्षक अपना शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए हैं। विगत दिन शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि ऐसे शिक्षक जिन्होंने कागजात अपलोड नहीं किया है उन पर कार्रवाई की जाएगी, जबकि जो शिक्षक कागज अपलोड नहीं किए हैं उसमें सरासर विभागीय लापरवाही है, यूएन नंबर में गड़बड़ी था जिस वजह से शिक्षक अपना कागजात अपलोड नहीं कर पाए। ऐसे में इस तरह का बयान शिक्षा मंत्री के द्वारा देना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही साथ 15% वेतन वृद्धि का जो मसला है, सरकार विगत 2020 में ही घोषणा करी थी कि अप्रैल 2021 से 15% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। अप्रैल बीत गया और अभी जुलाई चल रहा है, लेकिन सरकार अभी तक जो है 15% वेतन वृद्धि लागू नहीं करी है। सुपौल में आज हम लोग बैठक किए हैं, पूरे बिहार भर में बैठक होगा, फिर 1 तारीख को स्टेट में बैठक होगा और इस बैठक के माध्यम से सरकार को हम लोग चेतना चाहते हैं कि आप अविलंब जो है 15% वेतन वृद्धि लागू करिए। साथ ही साथ जिन शिक्षकों को अपलोड का मौका नहीं मिला है विभागीय लापरवाही की वजह से, उन शिक्षकों को मौका दीजिए। और इतना ही नहीं, संघ मांग करती है कि ऐसे लापरवाह अधिकारी, ऐसे लापरवाह कर्मी जिनके चलते 4100 शिक्षक आज अपना शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं कर पाए हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करे सरकार, यह संघ मांग करती है। सरकार अगर हमारी मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो पूरे बिहार भर में राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। जिला संरक्षक सुनील कुमार यादव ने कहा कि शेष बचे नौ प्रशिक्षित टीटी गैर टीईटी शिक्षकों का एरियर व शेष बचे शिक्षकों का डीपीई एरियर भुगतान में विलंब को संघ बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला कोषाध्यक्ष अनिल कुमार यादव ने कहा कि माननीय हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अप्रशिक्षितों का वेतन भुगतान नहीं करना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिला सचिव विनोद कुमार यादव व मनोज रजक ने कहा कि जिला शिक्षा कार्यालय बिचौलिया और दलालों का अड्डा बना हुआ है, संघ जल्द ही बिचौलिया और दलालों के खिलाफ हल्ला बोल करेगा। बैठक की अध्यक्षता जिला संरक्षक सुनील कुमार यादव ने किया। बैठक में जिला कोषाध्यक्ष अनिल कुमार, जिला सचिव विनोद कुमार यादव, मनोज कुमार रजक, जिला मीडिया प्रभारी मनीष कुमार यादव, जिला अनुशासन समिति सचिव निसार अहमद, जिला उपाध्यक्ष जयकिशोर रजक, भूपेंद्र यादव, प्रखंड अध्यक्ष राजीव कुमार रंजन, पंकज
श्री प्रसाद विश्वास, मिथिलेश कुमार, सुधांशु चौधरी, सतनजीव झा, सुजीत कुमार यादव, संजीत भारती, प्रेम झा, संजय मेहता, मिराज खालिक, क्रांति यादव, लक्ष्मी यादव, रमन कुमार, रोशन गोइत, मिनतुल्लाह, मासूम रजा, राजदेव राम, वीरेंद्र राम, शिवनारायण ऋषिदेव, प्रभु मंडल, रुपेश कुमार, वीरेंद्र राम, संजय राम, कुलानंद कुमार, राम कुमार साफी, अजय कुमार सहित दर्जन शिक्षक वहाँ मौजूद रहे।